ईमेल राइटिंग के बारे में। जी हाँ, ईमेल राइटिंग क्या होता है और ईमेल राइटिंग स्किल क्या होती है, साथ ही दोस्तों ईमेल राइटिंग फॉर्मेट के बारे में जानेंगे कि ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं ईमेल राइटिंग इस एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कैसे जो है ईमेल राइटिंग करते हैं, या फिर ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट कैसे होता है, ईमेल कैसे भेजते हैं, साथ ही दोस्तों आप जो है ईमेल लॉगिंग कैसे कर लेते हैं, और आपको कैसे जो है एक ईमेल सेंड करना चाहिए किसी को, यानी कि हाउ टू सेंड ईमेल फ्रॉम मोबाइल, अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे जो है किसी को ईमेल आईडी के थ्रू जो है ईमेल सेंड कर सकते हैं, यानी कि ईमेल कैसे भेजते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ईमेल राइटिंग के बारे में और ईमेल राइटिंग फॉर्मेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि या दोस्तों यहाँ पर देखिए एक जीमेल है यहाँ पर और एक ईमेल है, इन दोनों में आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हालांकि हर फोन में होता है। ईमेल इसलिए क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल एक सर्विस है ईमेल राइटिंग का। यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको यहाँ पर एक पर्सनली जो आपका ईमेल होता है कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी का होता है उससे आपको लॉगिन करना होता है। तो ज़्यादातर यहाँ पर मैं ईमेल अकाउंट के बारे में आपको बता देता हूँ जो आपको कॉमनली जो है सभी लोग यूज करते हैं। यहाँ पर ईमेल से आप कन्फ्यूज मत होइएगा। बाकी दोस्तों ये जो जीमेल है ये गूगल के द्वारा दी गई एक फ्री सर्विस है ईमेल की, यानी कि आप फ्री में जो है किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं और अपने मोबाइल से फ़ोन से जो है ईमेल सेंड कर सकते हैं। हालांकि काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन में जो ये सारे फ़ोन में होता ही है ईमेल की सर्विस, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है नहीं जानते कि हाउ टू सेंड ईमेल फ्रॉम मोबाइल, जी हाँ कि मोबाइल से ईमेल कैसे भेजते हैं किसी को पता नहीं है। हालांकि जो है कंप्यूटर लैपटॉप से भी नहीं पता होता है, कुछ लोगों को पता होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अपने मोबाइल फ़ोन से जो है ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं, जी हाँ, और ईमेल राइटिंग फॉर्मेट कैसा होता है, ईमेल कैसे भेजते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा ईमेल राइटिंग के बारे में। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस फ़ोन के बारे में जो है मैं दोस्तों यहाँ पर दूसरे फ़ोन का एग्जांपल लूँगा क्योंकि आपको जल्दी आसानी से समझ में आएगा। तो ये देखिए दोस्तों ये मेरे पास एक फ़ोन है। अब ज़्यादातर फ़ोन में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर एक गूगल का फोल्डर होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक गूगल का फोल्डर है, आपको देख रहे हैं यहाँ पर ये गूगल फोल्डर। अब इसमें दोस्तों देखिए कई सारे गूगल के प्रोडक्ट हैं, जैसे जीमेल भी आ गया है, यहाँ पर लोकेशन है, गूगल ड्राइव है, प्ले म्यूजिक है, प्ले मूवी है, और ये ड्यूल्स है वीडियो कॉलिंग का, और फोटोज़ है गूगल का भी खुद है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन में होता है लेकिन उनको पता नहीं है भाई कैसे जो है मोबाइल फ़ोन से जो है ईमेल भेज सकते हैं या फिर ईमेल लिखते कैसे हैं, ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फोल्डर है ना आपको इसी में क्लिक करना है सीधे। अब यहाँ पर जो है जीमेल में चले जाइए, यहाँ पर आपको एक ईमेल जो है यानी कि ईमेल आईडी क्रिएट करने की जरूरत होती है, एक ईमेल अकाउंट होता है। हालांकि सारे आजकल तो सारे फ़ोन में जो है क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन है सबको जो है लॉगिन होना होता है, तो आपको एक ईमेल आईडी तो मोबाइल के थ्रू ही मिल जाता है जब आप लॉगिन करते हैं, ताकि अब जो है सारे एक मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है। तो ईमेल राइटिंग के लिए भी एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है जो कि आपके फ़ोन में होगा। डायरेक्ट जब आप खोलेंगे इसको जीमेल का अकाउंट खोलेंगे ऐसे, तो साइड में आप इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और आपको ये कॉर्नर पर जो दिख रहा है ये आइकन रामजी टेक्निकल का दिख रहा है। तो यहाँ पर ये लॉगिन है, देखिए मेरे कई सारे ईमेल आईडी हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मेरा मान लीजिए ये ramkishan@gmail.com ये मैंने क्रिएट किया, ये मेरा पर्सनल ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने लॉगिन किया है, आप लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी को लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना होगा कि ईमेल राइटिंग फॉर्मेट सीखना है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर साइड में कई सारे ऑप्शन होते हैं आपको, जैसे कि सेंड में ईमेल देखना है तो यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शन हैं। फिलहाल के दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ईमेल राइटिंग कैसे करते हैं। तो ईमेल राइटिंग के लिए यहाँ पर प्लस का जो निशान है इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट आपका जो ईमेल आईडी है यहाँ पर फ्रॉम से हो जाएगा। फ्रॉम मतलब आप भेज रहे हैं किसी को, तो आपका ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस जो है आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आ जाएगा जो आपका ईमेल एड्रेस होगा। तो आपको जो है इस पर लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना किसको है दोस्तों, यहाँ पर जो है इस तरह का फॉर्मेट होता है ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट, इसी तरह का होता है। अब यहाँ पर टू यानी कि जिसको आपको भेजना है ईमेल सेंड करना है अपने मोबाइल फ़ोन से, तो उसको आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो है मुझे मान लीजिए कि मेरा दोस्त दूसरा है उसको यहाँ पर टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो है ये मेरा ऑटोमेटिक आ गया RKGPAD, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको जो मान लीजिए जब आप टाइप करेंगे आपके फ़ोन में अगर किसी का ईमेल आईडी सेव होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा और आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, वरना आपको जो है कस्टमरली आपको लिखना होगा कि मान लीजिए फलाना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखना है ramjitechnical@gmail.com, ramkishan@gmail.com, ये सारा लिखना पड़ेगा आपको डिफ़ॉल्ट यदि आपके फ़ोन में जो है सेव नहीं है तो। चलिए ये तो हो गया ईमेल एड्रेस। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको ईमेल रेडी का जो है किसी को सेंड करना है तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना होगा,
जैसे मान लीजिए किसी को सेंड करना है किसी के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर टास्क के बारे में, तो यहाँ पर एक मतलब हेडिंग होता है आपको। मान लीजिए मुझे भेजना है किसी कमेंट पर रिप्लाई के लिए, तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कि प्लीज रिप्लाई। तो यहाँ पर प्लीज, यहाँ पर आपको प्लीज लिख सकते हैं यहाँ पर ये, ये प्लीज हो गया, और रिप्लाई यहाँ पर मतलब एक सब्जेक्ट लिखना होता है, तो ये हो गया ठीक है। अब ऐसे मतलब मान लीजिए मैं पढ़ूंगा वहाँ पर, तो ये डायरेक्ट ये दिखेगा पहले। अब यहाँ पर मेरा जो कुल मैसेज होगा ईमेल राइटिंग का, मतलब कुछ क्या हमें लिखना है ईमेल में, क्या लिखना है, क्या आपको मैसेज देना है, वो पूरा यहाँ पर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर मान लीजिए जो है हम यहाँ पर टाइप करते हैं कि हिंदी में टाइप कर देता हूँ मैं, ताकि आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मेरे कमेंट, मेरे कमेंट का जवाब दें। अब इस तरह दोस्तों आप अपने हिसाब से लंबा इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। और यहाँ पर फ़िलहाल तो मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आपको मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी खास को लिखना है, तो यहाँ पर आपको जो है लिखना होगा, जैसे मान लीजिए डियर सर या मैडम, यहाँ पर लिखना होगा डियर सर, ठीक है, डियर सर गुड मॉर्निंग, ऐसा हो गया। सो दोस्तों अब जो है आपका जो मैसेज जो है ये फॉर्मेट है ईमेल राइटिंग का, ठीक है दोस्तों, डियर सर गुड मॉर्निंग। और यहाँ से आपको जो भी मैसेज लिखना है, 1 2 3 4 5 जितना भी लिखना है वो आपको लिखना है। कंप्लीट करने के बाद मैसेज आपको क्या करना है, नीचे यहाँ आप लिख सकते हैं कि थैंक्स लिख सकते हैं आपको, और फिर यहाँ पर जो है कुछ बाई, जैसे मान लीजिए योर योर रिगार्ड वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, या योर फ्रेंड लिख सकते हैं, योर फ्रेंड। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऐसे लिखने के बाद आप क्या करना है, ये सारा ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से फॉर्मेट हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर कोई चीज़ मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, मान लीजिए किसी कंपनी को ईमेल से के थ्रू जो है आपका CV यानी कि रिज्यूम भेजना है, आपका बायोडाटा भेजना है, तो आपको यहाँ पर इस लाइन पर क्लिक करना होगा। यदि वो बायोडाटा आपके फ़ोन में है तो आपको अटैच फाइल करनी होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अटैच फाइल करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो है फाइल आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आ रहे हैं फाइल, फ़ोटो वगैरह है, कुछ भी है, तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं कुछ तरीके से, ठीक है दोस्तों। जो भी डॉक्यूमेंट है मान लीजिए PDF फॉर्मेट में कोई एक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, चाहे जो कुछ भी हो, यहाँ पर एग्जाम्पल ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक PDF फाइल है, ठीक है। अब इसको आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ये तो हो गया फ़ोन से, यदि आपका किसी एक गूगल ड्राइव में रखा हुआ है तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करेंगे तो ये जो मिलता है ऑप्शन इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव, इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव, तो ये ड्राइव जो है गूगल ड्राइव से जो है या फिर किसी और ड्राइव से कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। फाइनली ये तो हो गया, आपने इसमें अटैच कर दिया कोई भी चीज़, इसमें फ़ोटो वीडियो भी जो कुछ भी है वो डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव करता हूँ, तो यहाँ पर आपको ये देखिए GB व्हाट्सअप के बारे में मैंने बताया था पिछले कुछ वीडियो में, तो ये मैंने APK फाइल है GB व्हाट्सअप का मैंने अपलोड करके रखा है, तो ये GB व्हाट्सअप के बारे में मैंने रखा है, काफ़ी सारे डेटा है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि हमें भेजना तो यहाँ पर इसे सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए ये भी आ गया GB व्हाट्सअप ऑफिशियल प्लस .com वगैरह, ठीक है दोस्तों। ये मैंने बता दिया ऐसे ही कि आप जो ऐसे कोई भी फाइल, APK फाइल, एंड्रॉयड फाइल भी, यानी GB व्हाट्सअप या कोई भी व्हाट्सअप या फिर कोई भी एंड्रॉयड ऐप्स है वो भी सेंड करना चाहते हो सेंड कर सकते हैं। तो आप देखिए ये पूरा हमारा ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट हो गया, यानी कि ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट एग्जांपल हो गया, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको अपना बाय डिफॉल्ट जो है ईमेल आईडी आ जाएगा, यहाँ पर आपको जो है ईमेल आईडी लिखना होगा जिसको भेजना है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, यही मान लीजिए यही ईमेल आईडी किसी को भेजना है, तो अगर मान लीजिए हमको भेजना है तो आपको ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया प्लीज़ रिप्लाई, यानी कि जल्दी आपको रिप्लाई चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए। फिर यहाँ पर डियर सर मैडम गूगल गुड मॉर्निंग वगैरह लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो मैसेज होता है ईमेल में आपको लिखना क्या है, ईमेल राइटिंग में कुछ लिखना है जो मैसेज देना है, आप यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं जितना भी आप लिखना चाहें। उसके बाद थैंक्स लिख सकते हैं, फिर योर फ्रेंड वगैरह जो कुछ भी आपको लिखना है, या फिर योर क्लाइंट या फिर योर क्लाइंट या फिर कुछ भी जो कुछ हो सकता है आपका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई फाइल आपको जो है CV कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है या फिर PDF फॉर्मेट है या फिर कोई भी फॉर्मेट है आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं यहाँ से, मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट हैं, इसको चाहें तो आप सेव कर सकते हैं या फिर शेड्यूल सेंड कर सकते हैं। शेड्यूल सेंड क्या होता है,
मान लीजिए आपको किसी खास यानी कि टाइम पर फैन सेंड करना है, जैसे कि 6 अगस्त 8 बजे सेंड करना है टुमारो मॉर्निंग में या टुमारो आफ्टरनून में, तो यहाँ ये सब शेड्यूल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली जो चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप शेड्यूल कर सकते हैं। अब फाइनली में फ्रेंड सेंड करना है, तो अब जो यहाँ पर क्लिक करेंगे तीर वाले निशान पर, ये देखिए सेंडिंग हो रहा है, हमारा जो ईमेल है वो सेंडिंग हो रहा है। ये देखिए सेंट हो चुका है हमारा ईमेल आईडी, ये देख सकते हैं हमारा ईमेल आईडी सेंट हो चुका है। अब इसको देख सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ये सेंट पर जाएंगे और यहाँ से, और ये देखिए मैंने जो अभी भेजा ईमेल आईडी वो हम देख सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई, ये हमारा ऐसा फॉर्मेट है ईमेल का, ये रहा ईमेल का फॉर्मेट, इसको ओपन करके हम देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह का है, ये दोनों फाइलें हमने अटैच की और ये मैंने लिखा, ये साथ ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट ये होता है भाई, ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट ये होता है और ये ईमेल राइटिंग स्किल है। इसी से दोस्तों हम ईमेल भेजते हैं, आप भी इस वीडियो के थ्रू जो है ईमेल भेजना सीख गए होंगे, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आई होगी। जिनको ईमेल भेजना नहीं आता उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी सीख लगें मोबाइल से जो है ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं, हाउ टू सेंड ईमेल फ्रॉम मोबाइल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनको ईमेल भेजना नहीं आता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।